21वीं शताब्दी चल रही है, 19वीं शताब्दी में जिन्होंने जन्म लिया उनकी चर्चा 21वीं शताब्दी में भी चल रही है। जिनका जीवन महान शुरू से ही होता है उनकी चर्चा एक शताब्दी तक क्या अनेकों शताब्दी तक चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20वीं शताब्दी में वे हुए, इसलिए 20वीं शताब्दी की बात की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 19, 20 और 21वीं शताब्दी में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का नाम चल रहा है। कारण क्या है? उन्होंने जन्म लिया, जन्म से अपने जीवन को धर्म पर धर्ममय बनाया। कारण यह था, जिनकी माता गर्भस्थ बालक के लिए ये प्रार्थना करे कि मैं कमल पुष्पों से भगवान की पूजा करने जाती हूँ, वो माता कितनी धर्म में वारी होगी। हमने अनेक बार कहा है कि अपनी संतति को, संतान को धार्मिक बनाने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो धर्म में पुरुषार्थ करते हुए अपने संतान को भी धार्मिक बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे जीवन में सुखी तो होते हैं, लेकिन संतान का प्राप्त करने का सुख भी वे प्राप्त करते हैं। आज अनेक माता पिता रोते हैं, संतान प्राप्त करने के बाद भी रोते हैं, क्योंकि उनकी संतान सुसंस्कारी तो नहीं है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की माता जो थी, नाम सबको मालूम है क्या था ना? बड़ी जल्दी बोल दिया आपने, सत्यवती। अर्थात क्या मतलब हुआ? सत्यवान। जिनकी माता ही सत्यवान हो और जिनके पिता भीम की शक्ति के समान शक्तिशाली हो, उन माता पिता का संस्कार उन पर क्यों नहीं पड़ता? आप अनेक दिन से सुन रहे हैं, महाराज की शक्ति के संबंध में भी सुन रहे हैं, और उनके जीवन में जो कुछ विशेषताएं थी उन सारी विशेषताओं को आपने श्रवण किया है। महोत्सव का प्रारंभ बारसोला से होना है, यहां मनना नहीं है, यहां प्रारंभ होना है, और यहां से यदि वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो सारे देशवासी लोग चातक पक्षी की तरह पारसोला को देख रहे हैं कि ऐसी क्या बात थी। हम भी अपने मन में बड़े आश्चर्यचकित हैं कि हमने 3 महीने पहले से चातुर्मास की घोषणा पारसोला के लिए क्यों कर दी।
कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। इस धरती का पुण्य है कि वे महामना आचार्य देव यहां पर भी आए हैं। उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राओं में और मध्य में आने वाले नगरों को अपने चरण रस से पवित्र किया। पारसोला उससे असुचित नहीं रहा। उस कहानी को हम कहना नहीं चाहते, लेकिन कहानी जो है वो यह बताती है कि जो महापुरुष थोड़े से समय के लिए भी इस धरती का स्पर्श कर लेते हैं, उस धरती पर वातावरण ही कुछ अलग प्रकार का बन जाता है। उन्होंने यहाँ बहुत लंबे समय निवास नहीं किया, मात्र 2 दिन के लिए ठहरे थे, लेकिन वो 2 दिवस पारसोला वासियों के लिए कल्याणमय बन गए। उनकी अक्षुण्ण परंपरा के आचार्यगण भी यहाँ पर आए हैं और धर्म में उपदेश सुनने का अवसर भी आपको प्राप्त हुआ। पारसोलावासी तो प्रसन्न हैं, इसलिए कि आज संघ की वृद्धि हो गई है, है ना? हमारे मन में भी एक बात जरूर है, जब हमने महोत्सव की घोषणा की थी तब हमारे मन में ये बात थी कि संघ के साधुगण निकटवर्ती स्थानों पर ही चतुर्मास कर रहे हैं, इसलिए वे महोत्सव में आए और अपनी सहभागिता निर्वाह करके अपने इस दीक्षित जीवन को सार्थक करें। क्यों? क्योंकि मुनि कुल पितामह, आपके कुलों के भी पितामह होते हैं, मुनिजनों के कुल के पितामह आचार्य शांत सागर जी महाराज थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वे चारित्र के चक्रवर्ती थे, उनको इसी रूप में स्मरण किया जाएगा, भले ही अनेक प्रकार के चक्रवर्ती हो गए हैं, कोई तीर्थ चक्रवर्ती बना है, कोई नए चक्रवर्ती है, कोई चर्या चक्रवर्ती है, किंतु चारित्र का चक्रवर्ती तो एक ही है। उसका एकमात्र कारण है कि जब जब चक्रवर्ती हुए हैं तो 2 चक्रवर्ती एक साथ नहीं हुए, अपने काल में एक ही चक्रवर्ती हुआ। इसलिए चाहे कोई कैसा भी प्रयत्न कर ले या प्रयत्न करवा ले, लेकिन चारित्र के चक्रवर्ती तो इस धरती पर एक ही हुए थे और वह आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। चक्रवर्ती इसलिए थे क्योंकि चक्रवर्ती षटखंड का अधिपति होता है, वे षटखंड के अधिपति थे, लेकिन वो चारित्र के षटखंड के अधिपति थे और उन्होंने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया। चारित्र के प्रत्येक अंग का प्रयोग करके उन्होंने अपने जीवन में बता दिया कि मुनियों का चारित्र ऐसा होता है। वैसी ही सरलता
क्योंकि 10 धर्म के अधिकारी थे आचार्य महाराज। आर्यो धर्म ऋजुता सरलता बताता है, जीवन सरल जिनका होता है वे कहीं पर भी हार नहीं मानते। भजन आप भले गाते हो, जीवन से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अगर यहीं से हारा तो फिर जाऊंगा कहाँ भगवान। ये सरकार वरकार का बात नहीं, हम करते हैं गुरुदेव को हो या भगवान को ठीक लगता है। तो हम जहाँ जा रहे हैं, जिनके द्वार पर जा रहे हैं, वहाँ तो हार का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ हारेंगे ही नहीं। यदि वास्तव में आप संसार से हार गए हैं और गुरु के द्वार को प्राप्त कर लिया है तो निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ तो हार होनी ही नहीं है। आचार्य महाराज ने 43 वर्ष की उम्र अपने घर में व्यतीत की, लेकिन 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जिससे उनके जीवन में कभी हार नहीं हुई। किसी भी स्थिति में वे डरे नहीं, वे झुके नहीं और फिर रुके भी नहीं। तीनों बातें उनके जीवन में थी। डर जो है वो हमारी गति को रोकता है, और गति ही नहीं रुकती है, भय हमें झुकने के लिए भी मजबूर कर देता है। तो उनके जीवन में तीनों बातें नहीं थी। डर भी नहीं था, भय भी नहीं था, और रुकना भी नहीं सीखा था उन्होंने। जहाँ बड़े बड़े उपसर्ग आए उनके सामने में झुके नहीं, लेकिन जब हमारी धर्म संस्कृति पर आपत्ति आई थी उस समय उन्होंने निर्भय होकर के 1105 दिन के लिए अन्न का त्याग कर दिया। 1105 दिन के लिए नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने तो ये सोच करके किया था कि संस्कृति पर धर्म पर जो संकट आया है वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक नहीं दूर होगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ये जीवन भी पूरा समाप्त हो जाता, तो उनको भय नहीं था। ये तो उनके प्रयत्न और पुरुषार्थ, और समझे हम कि उनके पुण्य ने जो उन्होंने अर्जन किया था पुण्य, उस पुण्य के प्रताप से संस्कृति का रक्षण उनके सामने हो चुका। देखिए जब कोर्ट से फैसला होकर के आया तो लोगों ने कहा कि महाराज अन्न ग्रहण कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, जब समाज उनके पास भी इस आपत्ति को लेकर के पहुंची थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, इस कार्य करूँगा, आचार्य महाराज से निवेदन कर दे कि वो अन्न ग्रहण करें। जिन जिन नेताओं के पास गए लोग उन सब ने यही कहा कि महाराज से निवेदन करो कि अन्न ग्रहण करें। राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भी यही कहा कि आचार्य महाराज से हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिए कि वे अन्न ग्रहण करें, इसका कोई न कोई उपाय सोचा जाएगा। लेकिन आचार्य महाराज ने किसी की बात नहीं मानी। समाज के लोगों ने तो उनको यहाँ तक कह दिया था कि महाराज आपने जो उपाय सोचा है, सरकार से कोई लड़ाई की जाती है, सरकार के सामने कौन जीता। लेकिन आचार्य महाराज ने किसी की बात नहीं मानी, किसी के सामने झुका ही, झुकने का प्रयत्न ही नहीं किया उन्होंने। क्यों? कि उन्होंने रुकना सीखा नहीं था। जो कार्य प्रारंभ किया है चाहे जितनी आपत्तियां आ जाए, लेकिन वे उसमें रुके नहीं। बंदियों, अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की चर्चाएं उस समय उठाई थी,
जिस समय आचार्य श्री ने धर्म पर आए हुए संकट के लिए कदम उठाया था, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि महाराज आप बड़े ना समझ हैं, इसका बड़ा अर्थ है। ना समझ कहना कोई सामान्य बात नहीं है। जिन्होंने भी ये कहा उन्होंने अपने गृहबान को झांक करके नहीं देखा, उसके बिना ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया। लेकिन हम आचार्य महाराज के जीवन को देखते हैं, उनका प्रत्येक कदम जो है समझ के बिना नहीं था, समझ के ही वे कदम उठाते थे। और फिर जिस बात के लिए उन्होंने कदम उठा लिया उसको पूर्णता कराने की भी उनमें सामर्थ्य थी, और वो पूर्ण करके उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया है वो सब सबके सामने है, सबके मुख में है। यदि भूल गए हों तो फिर ये महोत्सव आया है, इस महोत्सव के माध्यम से फिर अपनी स्मृति को हम ताज़ा कर लें कि उन महापुरुष ने अपने जीवन में क्या नहीं किया, क्या क्या किया इसको तो गिना दिया है, गिनाएंगे, लेकिन क्या नहीं किया धर्म के संबंध में कोई बाकी नहीं रहा। इसलिए उन्होंने हर तरह से हर प्रकार से अपने जीवन में धर्म के संबंध में जो कुछ करना था वो सब किया, और उन्होंने हम सबको मार्ग बता करके गए हैं वे। और गुरुजन यही होते हैं, जो मार्ग बताते हैं वे गुरुजन होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, आवश्यकता इस बात की है कि श्रवण और श्रावक जन उन महापुरुष के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि उन जैसे नहीं उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। आप सबके लिए यही मंगल भावना है कि आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें और उन महापुरुष के जीवन को एक बार विश्व के सामने विश्व पटल पर रखने का प्रयत्न और प्रसार अपन सब करें। जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। महाराष्ट्र राज्य के जिला कोल्हापुर स्थित